अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर SVM स्पॉट वेक्टर मशीन के लिए हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा, हमने डिसीजन ट्री से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की, हम लोगों ने नेम बेस मेथड से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने SVM स्पॉट वेक्टर मशीन के जरिए देखते हैं हमने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो मैकेनिज्म हमारे पास वही है, मेरे पास IGES का डाटा सेट है, मैंने उसको रीड करना है। अब तो आपको याद हो गया होगा कि कैसे रीड करते हैं। पांडास के ज़रिए अगर मैं रीड करूं, रीड CSV, यहाँ पे मुझे इसका एड्रेस देना। मैंने यहाँ पे इसका एड्रेस दे दिया। अब IRES.add का फंक्शन हमने लास्ट टाइम भी देखा था, उसी को मैं यूज़ करता हूँ। और आज एक नया फंक्शन देखते हैं, IRES.ie। आज मैंने ये वाला फंक्शन लिखा है, माइट बी आपके लिए न्यू फंक्शन हो। इसके अंदर ये करते हैं इंटीजर लोकेशन। इस फंक्शन का नाम होता है इंटीजर लोकेशन। जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस हुआ था कि हम लोग एक्स के अंदर जो है फीचर्स रखते हैं और वाई के अंदर उसका लेबल रखते हैं, तो मैंने सारे कॉलम्स के अंदर डिफाइन कर दिया कि आपने सारी रोज़ भी रीड करनी है और कॉलम वाइज भी आपने जाना है। अगर मैं IRES का डाटा सेट देखूँ तो मुझे ये सारी वैल्यू एक्स के अंदर करके दे देगा। इसी तरह अगर मैंने y के अंदर ऐसे लेना है तो मुझे सिर्फ फोर्थ इंडेक्स तक जाना होगा। IRES.add यहाँ पे मैं फोर्थ इंडेक्स तक क्यों गया, क्योंकि सिर्फ मुझे लेबल चाहिए, तो मुझे सिर्फ लेबल को रीड करवाना था और इसमें स्टोर करवाना था, इस वजह से मैं सिर्फ यहाँ तक कर गया हूँ। और यहाँ पे -1 मैंने इसलिए लिखा कि फर्स्ट फोर्थ रोज़ 1, 2, 3, 4 इधर मेरे फीचर्स पर हुए हैं और लास्ट कॉलम के अंदर मेरे लेबल पर हुआ, तो मैंने फीचर्स को एक्स में स्टोर करवा दिया और लेबल्स को वाई में स्टोर करवा दिया। अब ट्रेन करवाते हैं। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ये यहाँ से मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, मैंने इसी को यूज़ कर लिया। और इसके अंदर मैं लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस करना है कि इसके अंदर हमेशा वो पैरामीटर आते हैं जिसके ऊपर हमने ट्रेन करवाना है, वो मेरे पास कौन कौन से एक्स है, एक और एक वाई है। और इसके अंदर मैं डेटा सेट भी डिफाइन करता हूँ कि मैंने डेटा सेट को किस तरह स्प्लिट करना है। टेस्ट साइज लास्ट टाइम मैंने 0.20 किया था, इस दफ़ा 0.30 कर लेते हैं। और इसका मतलब है कि आपने 70% ट्रेनिंग में दे दिया, 30% आपने डेटा सेट टेस्टिंग में लगा दिया। अब मॉडल को लोड करते हैं। स्पॉट वेक्टर मशीन का मैंने मॉडल लोड किया। अब मॉडल को डॉट फिट, मॉडल को मैंने अब डेटा सेट पास करना है, वो उसके ऊपर ट्रेन होगा और मुझे कुछ आउटपुट देगा, एक्सट्रेन करवाना और वाई ट्रेन। इसी तरह मैंने प्रिडिक्शन भी लेनी है, PRE प्रिडिक्शन भी लेनी है। मॉडल डॉट प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मैंने एक्स डेटा सेट के ऊपर लेनी है, टेस्ट के ऊपर। ओके, यहाँ पे मैंने मॉडल को इनपुट भी दे दी, मॉडल पर प्रिडिक्शन भी ले ली। अब मॉडल से ऐसा करते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना लेते हैं। प्रिंट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना लेते हैं। किन किन के दरमियान मुझे बनाना है, मैंने उसको दिया y टेस्ट ऑफ प्रिडिक्शन, इसके दरमियान मुझे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाना। तो उसको रन करके देखते हैं। ओ, इसमें आ गया एरर, आ गया। कौन सी लाइन में आया, इस लाइन में एरर आया। अच्छा, इस लाइन में एरर आया, कॉमा नहीं आएगा।
ओके ये चल गया, कोड हमारा चल गया। अगर इसको मैं थोड़ा सा ठीक करूं तो ये भी, इसको मैं थोड़ा सा ठीक करता हूं, तो भी रुक जाए, मैं कैसे ठीक करते हैं इसको। ओके तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक किया मैंने, ठीक ऑलरेडी था सिर्फ उसकी इंडेंटेशन वगैरह, तो अब इसको एक बार चला के देख लेते हैं। सॉरी डीबग नहीं SVM, तो ये इसने मेरा ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना दिया है। फर्स्ट क्लास में इसने SVM में प्रिडिक्ट किया 15, दूसरी क्लास में से कुछ भी नहीं प्रिडिक्ट किया, थर्ड में से भी कुछ नहीं किया, और सेकंड क्लास में से इसने मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स या मैक्सिमम एवरेज या मैक्सिमम जो क्लासेस उसने सही प्रिडिक्ट किया वो 12 में और 1, इसी तरह थर्ड के अंदर 17। तो ऐसे हमने देखा कि हमने SVM के ज़रिए भी अपना डेटा सेट दे दिया, डिसीजन ट्रीज के ज़रिए भी अपना डेटा सेट दे दिया, और नेव बेस के अंदर भी डेटा सेट दे दिया, और तीनों के अंदर हमने फ़र्क भी देखा कि कौन हमारे लिए ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह हम यहाँ पे अपना डेटा सेट भी दे सकते हैं और उनसे कुछ भी किसी भी किस्म की आउटपुट वगैरह ले सकते हैं। थैंक यू।